और अब हम लोग कामाख्या तंत्र पर आते हैं जो मैंने बुक आपको दी है। पढ़ती हूँ थोड़ा। प्राचीन काल की बात है जब भगवती पार्वती ने पेज नंबर 18 प्रेम पूर्वक भगवान शिव से सबसे रहस्यमय तंत्र के बारे में जानने की इच्छा प्रकट की। उन्होंने पूछा, हे भगवान, हे समस्त धर्मों के ज्ञाता और विद्याओं के अधिपति, आपने मुझे अनेक तंत्र और रामल सुनाए, लेकिन सबसे गोपनीय तंत्र कौन सा है यह बताने की कृपा करें। मेरे मन में उसे जानने की सदा इच्छा रहती है। श्रीदेवी उवाच, भगवान सर्वधर्मज्ञ सर्वविद्याधिप प्रभो सर्वानंद हृदय सर्व आगम प्रकाशक, सारा चारतरम तंत्रम किम जानासि वद प्रभो, अति वेदम रहस्थानम तेन्मे शुश्रूषा सदा। शिशिव उवाच, शृणु देवी प्रवक्ष्यामि, मदी ये प्राणवल्लभे योनुरूपा महाविद्या कामख्या वरदायिनी वरदानंदा नित्या महाविभववर्धिनी। भगवान शिव ने अपने पत्नी से कहा, हे देवी सुनो, मैं तुम्हें अपनी सबसे रहस्यमयी तंत्र बताने जा रहा हूँ। यह तंत्र कामाख्या के बारे में है जो योनि रूपा वरदायिनी आनंदा नित्या और महाविभव वर्धनी है। महाविभव वर्धनी यानी जो महाभैव वैभव देने वाली है। वह सबकी जननी और तारिणी भी कही जाती है। वह स्थूल और सूक्ष्म होते हुए भी सदा सबके लिए शुभ है। कामाख्या की उपासना से सभी सिद्धियां प्राप्त होती है, इसके बिना सिद्धि संभव नहीं है। शिव ने आगे बताया, हे प्रिय, कामाख्या ही धर्म अर्थ काम और मोक्ष का आधार है। यह निर्वाण और सहज मुक्ति है। वह सालोक्य सारूप्य मुक्ति तथा परम गति भी है। ब्रह्मा विष्णु चंद्रमा जैसे देवता भी कामाख्या की सेवा करते हैं। कामाख्या ही समस्त देवताओं का देवत्व और समस्त विद्याओं का सार है। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, तीनों लोकों में कामाख्या के बिना कुछ भी नहीं है। तंत्रों में 1,00,000,000,000 महाविद्याएं कही गई, लेकिन उन सब का सार कामाख्या ही है। जैसे चंद्रमा की कांति उत्पन्न और लीन होती है, वैसे ही समस्त सृष्टि का कारण और नाश भी कामाख्या के बिना असंभव है। इस प्रकार भगवान शिव ने प्रेम पूर्वक भगवती पार्वती को कामाख्या तंत्र की महिमा और उसकी रहस्यमयता का वर्णन किया, जिससे सारा संसार संचालित होता है उसका महिमा और स्वरूप। भगवान शिव ने कहा, इस मंत्र को जानने से देवताओं के लिए भी दुर्लभ सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इसके प्रभाव से साधक समस्त जगत को सम्मोहित कर सकता है, जैसे माता अपने बालक को। यह मंत्र साधक को इतनी शक्ति देता है कि वह देवता दानव गंधर्व और किन्नर तक को सम्मोहित कर सकता है। राजाओं और उनके मंत्रियों से लेकर नगर के सभी निवासियों को भी वह अपने इच्छा अनुसार मोहित कर सकता है। जो कामाख्या की साधना करता है उसके अंदर मैग्नेटिज्म आकर्षण शक्ति बहुत बढ़ जाती है। लेकिन अब मैंने तुमको वार्न किया है, तामसी बुद्धि में मत आना कि माँ मैंने कामाख्या साधना करी थी ना, मैं जैसे ही बाहर निकला ना वो लड़की मेरे को देख रही थी। तुम उस लड़की को देखना, मातृ रूपिण या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपिण संसिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। तुमको देखना ना वो लड़की या ये लड़की, भैया एक को किसी को फिक्स कर लो, उसी को जाकर के देखना। तुम्हारी कामेश्वरी तुम्हारी पत्नी हो तुम्हारी प्रेमिका हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी को ही। नॉट इट? चलिए, आगे कहते हैं, तब उसका मंत्र दिया है। इस मंत्र से के कटाक्ष मात्र से अग्नि वायु सूर्य और समुद्र तक स्थिर हो जाते हैं। ऐसे साधक के लिए तीनों लोकों में कुछ भी असाध्य नहीं होता। तो इन्होंने मंत्र को बड़े कोटेड दिया हुआ है। जिम्रणतम तक्तपाशम यात्रा वरण वरोहकम वामकर्णयुतम देवी नादबिंदुयुतम पुनः ए तत्तु त्रिगुणकृत्य कल्पवृक्षम मनुम जपेत एकम वापी द्वयम वापी त्रयम वा जपी सुधे सुधी कामाख्या साधनम कार्यम सर्व विद्यासु साधके अन्यता सिद्धिहा सिद्धि हानि सियात विघ्नेश तेषाम पदे पदे। तो ये जो मंत्र कोटेड दिया था, तो हमने इसको बहुत सिंप्लीफाई करके मैंने इसका अर्थ लिखवा दिया है। समझ में आया?
सो यू डोंट हैव टू गेट कन्फ्यूज, क्योंकि वो पूरी संस्कृत में तुमको क्या समझाऊँ अभी, जब मृणांतम ऐसे बहुत बड़ा झंझट है। तो मैंने उसको सिंपल वर्ड में लिख दिया, तो भगवान शिव ने मंत्र का स्वरूप बताया, वो मंत्र जुड़ करके क्या बनता है, त्रीम। मैंने आप लोगों को ये मंत्र दिया है, इसको एक बार भी जप सकते हैं, इसको दो बार भी जप सकते हैं, इसको तीन बार भी जप सकते हैं। तो आप लोगों को जो अभी जो मंत्र मिला, आप लोगों को उसमें तारा का भी मंत्र जुड़ा था और कामाख्या का भी मंत्र मिला था, तारा का मंत्र भी दो बार, कामाख्या का मंत्र भी दो बार जुड़ करके आप लोगों को मंत्र मिला था। तारा का मंत्र यानी आपको तार मंत्र मिल गया, तार आपको भोग मिल गया, और कामाख्या का बीज मंत्र यानी मोक्ष मिल गया। तो ये मंत्र भोग और मोक्ष एक साथ देने वाला सबसे सरल मंत्र कामाख्या के क्षेत्र में आपको मिल गया है, ठीक है। कैसा ये मंत्र, कल्प वृक्ष के समान इस मंत्र का जप करना चाहिए। ये मंत्र कल्प वृक्ष के जैसे, व्हाट इज कल्प वृक्ष, विश फुलफिलिंग ट्री। सो दिस मंत्र त्रीम इज लाइक अ विश फुलफिलिंग ट्री। कामाख्या मंत्र पढ़ते पढ़ते समस्त इच्छाएं आपकी पूरी हो जाने वाली है। आपको करना क्या है, मंत्र का जाप पूर्ण श्रद्धा के साथ और अपने गुरु परंपरा में अटूट विश्वास, ठीक है। चलिए, इस कल्पवृक्ष को, इस मंत्र को कल्पवृक्ष कहा गया, इस कल्पवृक्ष को तीन गुना करके मैंने दे दिया। उस मंत्र को जपना चाहिए एक माला, दो माला अथवा हजार बार या एक लाख जप करे। आप लोग तो 1 करोड़ जप कर रहे हैं, तो निश्चित है ना। और क्या चाहिए, समस्त साधकों को समस्त विद्याओं में के विषय में कामाख्या की साधना करनी चाहिए, अन्यथा सिद्धि नहीं होगी, कदम कदम पर उनको विघ्नों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आप लोगों को कामाख्या साधना करा दी गई है कि आगे आपके जीवन में कोई विघ्न ना आवे। शिव ने अंत में कहा, हे देवी, कामाख्या की साधना शाक्तों की साधना है, इसलिए चक्र शुद्धि या काल आदि का शोधन आवश्यक नहीं है। कामाख्या की परा साधना क्लेश शून्य और शीघ्र ज्ञानदायिका है। इतनी सरल साधना है कि इसमें तुमको न्यास व्यास कुछ आता है, कोई टेंशन नहीं है। मैंने कराया कोई न्यास आप लोग को, केवल मंत्र दे दिया, बोला करो ये, क्योंकि ऐसा है भगवान शिव ने केवल मंत्र दिया, बोला इसको जपते जाओ, बस एक बार जपो, दो बार जपो, 1000 बार जपते रहो। सो इतनी सरल ये साधना है। श्रीदेवी ने पूछा, हे देवेश, यदि कोई व्यक्ति काली और तारा के मंत्रों का अभ्यास करते समय चक्र की गणना करता है तो उसकी क्या स्थिति होती है, क्या उसे मुक्ति मिलती है या नहीं। भगवान शिव ने उत्तर दिया, हे महेश्वरी, काली और तारा के मंत्रों में के विषय में चक्र की गणना करना अत्यंत हानिकारक है। कि काली और तारा आपको मिल गया गुरु से, तो अब आपको डाउट नहीं करना चाहिए कि माँ आपने न्यास सिखाया कि नहीं सिखाया। श्री विद्या में तो करना पड़ेगा, श्री विद्या आधा अधूरा नहीं, पूरा सीखना है। काली विद्या में मैंने आपको, मैंने तो दिया है आपको प्रॉपर, मगर अगर मैंने किसी को ऐसे बोल दिया तू केवल काली मंत्र जप बस, कई बार लोग मेरे पास आते ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, और मैंने बोला केवल काली जपो, आप लोगों को अब मैं आपको बताती हूँ, महेश्वर में मैं पूरा प्रिपेयर करके आई थी, काली ना पूरा अंदर से लेकर बाहर तक सब समझाऊंगी, पूरा न्यास समझाऊंगी, पूरा यंत्र समझाऊंगी, सब समझाऊंगी। और काली ने मेरे को कुछ समझाने नहीं दिया, हाँ महेश्वर का काली काली मंत्र दिया, वो काली आई बोली चुप कर, बहुत बोलती है तू, बहुत बोलना है तेरे को। जब महेश्वर में आए थे उनको पता है, काली ने सब ब्लॉक कर दिया, और काली ने आकर के काली का अपना स्वयं का श्यामा काली मंत्र दिया। मंत्र वो बुक में भी नहीं, कहीं भी नहीं है, किसी ग्रंथ में नहीं है, और उसमें कोई चक्र नहीं, कोई न्यास नहीं, कोई कुछ नहीं। अब उसका प्रूफ कहाँ दे रही है, कामाख्या में आकर के दे रही है। पंखा चालू कर देना, पंखा बंद है। उसका प्रूफ कहाँ आकर के दे रही है, कामाख्या में आकर के दे रही है कि काली और तारा के मंत्रों में चक्रों की गणना मत करो। समझ में आया, तो वो मंत्र जिसको मिला है सिंसियरली अपना जपो, जरूर हुआ। न्यास, न्यास होता है, ठीक है, और न्यास में हम लोग उंगलियों को एनर्जाइज करते हैं,
सुबह को जो फर्स्ट थिंग वो कराती है, चौर न्यास, महान्यास, बहुत सारा न्यास होता है, महाशोड़ा न्यास, दुनिया भर का न्यास, ऋषियों को याद करना, बहुत सारी चीज़ें हैं। काली कुल सुबह हम लोग करते हैं, हमारे उसमें करते हैं, लेकिन समझो कोई गुरु के पास आ गया और इतना डिटेल में नहीं सीख पाया, और काली ने के गुरु ने कल काली बोला ये करते ले काम हो जाएगा, तो उसको फिर टेंशन नहीं लेना चाहिए, उसको अगर वही करना चाहिए। बट तांत्रिकों को, असली तांत्रिक जो होते हैं पूरा सीखते हैं, वो आधा अधूरा नहीं होते। काम कराना है किसी को तो शॉर्टकट में मंत्र दे देते हैं, ठीक है। क्लीम आकर्षण मंत्र है, त्रिम काटने वाला, आपको सतोगुण रजोगुण तमोगुण ये तीन जो गुण है इनसे जो काट दे, इनसे जो गुणातीत बना दे, उसको कहते हैं ये जो दूसरा मंत्र है। क्लीम आपके अंदर आकर्षण की शक्ति भरेगा, इतनी आकर्षण की शक्ति भरेगा कि स्वयं आप मतलब यक्षों को, किन्नरों को, गंधर्वों को, देवताओं को, पूरे ब्रह्मांड को आप आकर्षित कर सकते हो। कैची काटने के लिए, काटने, हाँ हम जो मंत्र दिए उसमें मैंने दो बार दिया है, लेकिन आपने जपा कितनी बार है, टोटल करोड़ बार जपे, 2 करोड़ हो गया, ठीक है। चक्र मतलब पूरा सिस्टम ऑफ तंत्र। अच्छा जप की गणना, कितना भी जपो, लिखा था उसमें 1000 बार जपो। चक्र बता रही हूँ ना, पूरा न्यास वगैरह सब सिस्टम, तंत्र का एक सिस्टम होता है। जो लोग श्री विद्या करते हैं जैसे, तो श्री विद्या में आपको आवरण किन्नौ चक्र होते हैं, सिंपल से बता रही हूँ। अभी श्री विद्या की है, श्री विद्या में चक्र होते हैं 9 चक्र, तो उन चक्र में देवियाँ अलग अलग, तो श्री विद्या क्या के उपासक को देवियों का नाम पता होना चाहिए, 9 चक्र पता होना चाहिए, उन देवियों की पूजा में तर्पया में करना चाहिए। तो आपने चक्र की गणना की, चक्र की पूजा की, ठीक है। और उसके अतिरिक्त भी सिस्टम है, बॉडी के अंदर भी देवियाँ बैठी हैं, उसके अतिरिक्त मातृका न्यास है, मातृका 51 मातृका होती हैं, वो बॉडी के चक्रों में बैठी हैं और बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में बैठी हैं, उसको भी जानना चाहिए। तो श्री विद्या के उपासक को बहुत लंबा चौड़ा ऐसे मैनुअल पढ़ना पड़ता है। तो काली में भी है सिस्टम, ऐसा नहीं कि सिस्टम नहीं है। तो किसी को सीखना पूरा सिस्टम सीखे, लेकिन अगर उसको सीधा मंत्र मिल गया है काली का गुरु से, तो केवल वो काली मंत्र जपे, वो अपने आप में उसको सब कुछ देने में समर्थ। केवल तारा मंत्र जपे, अपने आप में सब कुछ देने में समर्थ। संस्कृत पूरी लंबी ले चो, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ तंत्र का सिस्टम किसके लिए बनाया गया, उन हर वर्ग के लोगों के लिए बनाया गया, जिसको संस्कृत पढ़ने भी नहीं आती। अब वो स्मशान में बैठ करके तुम तारा मंत्र दे रहे हो, उस स्मशान में रहने वाले जिसने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा है, उसको हिंदी पढ़ने नहीं आती, उसको बुक पढ़ने नहीं आती है, उसको नहीं आएगा न्यास करने। तुम तो बुक लेकर के पढ़ रहे हो ना, दुनियादारी कर रहे हो, उसको तो नहीं आएगा करने को। वो बेचारे इतना बोले, जस्ट इमेजिन एक कोई गाँव का लड़का है 12 साल का और एकदम निम्न कुल का, जो स्कूल का कभी मुँह ही नहीं देखा है, वो चला गया मामा के पास, अवामा के पापड़ा प्रसन्न होकर उसका मंत्र दे रहे हैं उसकी मुक्ति के लिए। अवामा के पास को बैठकर इतना यंत्र मंत्र सिखाएंगे क्या, बेटा ये चक्र है, ये दिशाएं हैं, उन दिशाओं में इंद्र रहते हैं, वैसे मुंह देखता रहेगा, यहाँ पर वरुण रहते हैं, यहाँ पर कुबेर रहते हैं, उसका ये पाश है, उसका ये दंड है, उसका ये वाहन है, सर घूम जाएगा कि नहीं घूम जाएगा। तो वो बच्चा बोलेगा मेरे को नहीं समझ में आ रहा भाई, बच्चा चलो 12 साल का है, कोई 45 साल का आदमी चला गया वहाँ माँ के पापा बैठे ध्यान कर रहे हैं, मेरे को ना तारा मंत्र चाहिए, तारा मंत्र चाहिए। तो वहाँ माँ के पापा क्या बोलेंगे, सिद्ध आदमी है, दे दिया आपको ये मंत्र करो, हो गया काम, तो आपको भरोसा होना चाहिए। अब आपको मंत्र मिल जाता है, फिर आप जाओगे तो किसी दूसरे गुरु के पास, ज्ञानी के पास, कि आपको वहाँ माँ के पापा ने मंत्र दे दिया, यंत्र सिखाया कि नहीं सिखाया, अरे नहीं यंत्र तो नहीं सिखाया, तो आप फिर डाउट में आ गए, डाउट में आ गए तो कुछ मंत्र काम करने वाला नहीं है। तो इसलिए कलयुग में हमारे से गुरु आते हैं इंटेलिजेंट, सारे इंटेलिजेंस दे करके, भाई तुम्हारे पास है ना बड़े बड़े लोग आने वाले हैं, तो तुम पढ़े लिखे गुरु बनो और पढ़े लिखों को पढ़ाओ,
और तुम्हारे पास सिंपल लोग भी आने वाले हैं जो बेचारे ये सब नहीं करना चाहेंगे। तो जो सिंपल है मेरे शिष्य लोग, जो इतना सब नहीं जानते, उनको अगर मैंने केवल मंत्र दे दिया उनका काम बन गया। लेकिन जो बहुत ब्रेनी है, भाई हम तो हैं कुछ, तो उनके लिए तो भैया पूरा सिस्टम है करो, कोई तकलीफ नहीं है, पूरा सिस्टम भी समझाने में हम समर्थ हैं, ठीक है। और इतना ही नहीं होता है, तंत्र में बहुत रहता है, तारा की गणना, नक्षत्र की गणना, राशि की गणना, ये सब रहता है इसके अंदर तंत्रों में। हाँ वो सब है, बहुत सारा गणना। तो बोल रहे हैं ये सब इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, चुपचाप से तारा मंत्र जपना शुरू करो, काम हो जाएगा। चलिए फिर यंत्र के बारे में मत किया। भगवान कहते हैं, हे प्रिय, यदि कोई व्यक्ति अज्ञान या मोहवश काली के या तारा के मंत्रों में चक्र की गणना करने लगता है, तो वह कुत्ते की फिर से वही बड़ा हार्ड वर्ड दिया है, इसलिए बिना हार्ड वर्ड इसलिए दिया कि तुम कन्फ्यूज मत हो जाओ, ट्रस्ट ट्रस्ट द मंत्र, ठीक है। अब मैं उनकी त्रैलोकी की सिद्धि देने वाली पूजा को बतलाऊंगा। जो जो सिद्धियाँ हठात अर्थात कठिन साधना के द्वारा प्राप्त की जाती है, वे इस पूजा के द्वारा बहुत जल्दी प्राप्त हो जाती है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। अब यंत्र निर्माण की विधि बताई गई। सिंदूर मंडलम कृत्वा त्रिकोणं च समालिखेत निज बीजानीं तन्मध्ये योजयेत् साधकोत्तम, पूरा श्लोक दिया गया है, उसका अर्थ मैंने नीचे दे दिया हिंदी में। हे देवी, सबसे पहले गोल चक्र बनाए, उसके बीच में त्रिकोण लिखें, त्रिकोण के बीच में कामाख्या का बीज मंत्र, इसके बाद मंडल के बाहर चतुर्भुज बनाए, फिर आठ दिशाओं में आठ वज्र लिखें, फिर न्यास समूह इत्यादि करें और आठ दिशाओं में काली की पूजा करें, काली मंत्र से, काली मंत्र के ऋषि अक्षोभ छंद अनुष्ठुप आदि देवता का मक्या है, यह मंत्र समस्त सिद्धियों के लिए है। तो ऐसा करके हमने वो जो दिया है ना, जो सिस्टम जो लिखा है संस्कृत में, फिर मैंने बैठ के उसका यंत्र मनवाया लोपा से। तो यह यंत्र आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, आप बुक्स में जाओगे, बुक्स के यंत्र, मैं एक बुक ले आई हूँ, ये यही बुक अवेलेबल थी हमको, तो इसमें यंत्र रॉन्ग, इसमें यंत्र दिया भी नहीं है शायद ना, इसमें यंत्र दिया भी नहीं है। देयर वाज अनदर बुक कामाख्या सिद्धि, उसमें भी एक यंत्र दिया था लेकिन वो रॉन्ग यंत्र था। तो जो राइट यंत्र है, जो एकदम जो शिवजी ने एक्सप्लेन किया है, वो ये बनवाया गया है। तो दिस इज द, इस युग में, कलयुग में इस यंत्र को इस तरह से प्रकाशित किया गया, ठीक है, इस यंत्र का सही स्वरूप जो आपको मिलेगा नहीं। मैं बता रही हूँ ना, इतना परफेक्ट टाइम आया है, इतने टूल्स अवेलेबल हैं ये सब करवाने के लिए। तो मुझे जब ये यंत्र बना, आई वॉज वेरी हैप्पी कि वाह। वो बुक्स में क्यों यंत्र नहीं बना पा रहे थे, क्योंकि यू नो हैंड से बनाना है, तो तीन लाइन के बजाय अगर वो आर्टिस्ट ने दो लाइन बजा दिया तो दो लाइन ही बना दिया, ही कांट इरेज, ही हैज टू मेक द होल थिंग अगेन। और अभी तो AI और ये AI की वजह से हम लोग यंत्र इतने आसानी से बन पाए, कैनवा में भी AI आ गया, हर जगह AI ChatGPT सब घुसा के इतने आसानी से, और रिपीट वर्क में भी बहुत आसान हो गया। सो एकदम परफेक्ट तंत्र जो अभी रिवील किया गया आप लोगों को। तो आप लोग इस यंत्र को देखोगे तो इसमें तीन लाइनें हैं, और जो तीन लाइन में आप लोग डायरेक्शन दिया गया, पूर्व के देवता इंद्र, इंद्र का जो वज्र होता है वो वज्र, ठीक है, फिर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में शक्ति उनका अग्नि देवता होते हैं, अग्नि की जो जो अष्टक जिसको बोलते हैं अस्त्र वो है शक्ति, फिर दक्षिण दिशा है, फिर यम दंड ऐसे दिया है। तो हर दिशा के देवता के नाम दिया गया और उन देवता के जो अस्त्र है उसको दिया गया है। Got it? हाँ इसमें खुला हो तो अंदर में चौकोर दिया ना, चौकोर के अंदर दिया ना, श्रीयंत्र का अलग है, त्रिलोक के मोहन चक्र है इसका यंत्र, बहुत सिंपल है। सारे जो देवी देवता जो दसवां विद्या के यंत्र है ऐसे सिंपल है। तो इनको इनको लॉक किया गया, ये सर्कल, ये चौकोर के अंदर और सर्कल के अंदर, बस वो खुला है। श्रीयंत्र में भी तो खुला रहता है, चारों ओर खुला रहता है, ये चारों वाला हमेशा खुला रहता है, खाली सर्कल के अंदर उसको इनक्लोज करते हैं त्रिलोक मोहन चक्र, भूपुर बोलते हैं इसको, भूपुर। फिर ये देखो अंदर सर्कल दिया और सर्कल के स्क्वायर दिया, स्क्वायर के अंदर सर्कल और सर्कल के अंदर ट्रायंगल। अब मेरे को बताओ, जो लोग प्रैक्टिस किए हैं बहुत पात्र साधन मेरे साथ, ये यंत्र बनाया तुमने किधर? और
वर्धनी में था सब कारण कलश गुरु पात्र आत्म पात्र सामान्य अर्घ वाले में विशेष अर्घ में तो शॉर्ट वो था वो अलग है अलग यस यस हाँ उसमें अलग है ठीक है ना। तो आप समझ गए तो आसन पूजा धरती पूजा जब हम करते हैं तो ये स्क्वायर बनाते हैं फिर एक ट्रायंगल नीचे बनाते हैं अंदर में एक सर्कल तो वही सेम यंत्र यहाँ पर मनाया गया है। किसका यंत्र है ये धरती मैया का यंत्र है पृथ्वी तत्व का यंत्र है। तो जब अब ये यंत्र बना दिया ये जो जो फर्स्ट जो बनाया आउटर क्वार्टर्स ये तो पूरा दिशाएं हो गई दिशाओं के आठों देवता हो गए और पूजा योनि की हो रही है। योनि में कहाँ की पूजा हो रही है धरती की पूजा हो रही है। यंत्र देखने वाला समझ गया योनि यानी धरती धरती यानी कामाख्या पूजा किसी करनी है जी। ऑफ कोर्स योनि को रिप्रेजेंट करता है माँ से बाहर है माँ ने हमको धारण करके रखा है समझ में आया। इतना सिंपल इसका यंत्र है एकदम सिस्टम है ये। तो कहीं भी तुम ये यंत्र देखोगे स्क्वायर सर्कल ट्रायंगल दिमाग क्या बोलेगा माँ का मक्खिया या पृथ्वी चलिए। फिर उसके बाद विनियोग दिया गया अब ये जो लोग को संस्कृत में गिटी पिटर करना है उनके लिए जिनको कठिन लगता है टेंशन नहीं लेने का मंत्र करने का अस्य श्री कामाख्या मंत्रस्य वो सब है अनुक्षोभ ऋषि अनुरूप छंद कामाख्या देवता सर्व सिद्धि विनियोग अभी लिखा है इसके अंदर करन्यास आदि अपने बीज मंत्रों से करें। तो अब ये चक्र है करन्यास अभी मंत्र तो आपको पता चल गया त्रीम तो क्या करना होता है त्राम त्रीम त्रू त्रेम त्रेम त्रम इजी। फिर बाकी षडंगन्यास करना है एक दो तीन वही बोलना है। तो जो बीज मंत्र है उसी का एक आई करके खत्म करना है इजी। तुमने प्रैक्टिस करी और बट सिस्टम में बता रहे हो। अगर मैंने तुमको क्रीम मंत्र दे दिया तो बताओ करके न्यास क्रह और वैसी षडंग न्यास कर रहे है ना। नो नो सुबह सुबह मंत्र दिया था मतलब तांत्रिक पूजा अलग है वो सिस्टम को बदलो मत। वो हमारी गुरु परंपरा का तांत्रिक सिस्टम उसको नहीं बदलते भाई उसमें तो सारे बीज मंत्र को स्थापित किया अंदर जो भी सुनो हरिओम अभी क्लास शुरू होने के पहले बीज को बीज दिया था ना बीज कोश तो सारे बीज कोश को अंदर बिठाया गया। तांत्रिक गुरु पूजन में सुबह ही कोई सारे बीजों को अंदर बिठा लेते हैं जगह जगह में। ये तो न्यास है इस कामाख्या मंत्र का हम न्यास करने बैठे हैं कामाख्या मंत्र का उसका बीज मंत्र ये है तुम लोगों को पता है तो उसका ये न्यास है ठीक है। चलिए फिर ध्यान आ गया उसका रक्त वस्त्राम वरोधयुक्ताम सिंदूर तिलकान्विताम निष्कलंकम सुधाधाम वदन कमलोज्ज्वलाम स्वर्णादि मणि माणिक्य भूषणैर्भूषिताम पराम नाना रत्नादि निर्माण सिंहासनोसर परिस्थिताम हास्य वक्त्राम पद्मराग मणिकांति मनोत्तमाम विनोत्तुंग कुशाम कृष्याम श्रुति मूलगतेक्षणाम कटीक्षैश्च महासंपदायिनी कटीक्षैश्च महासंपदायिनी परमेश्वरीं सर्वांगसुंदरीं नित्यां विद्याभि परिवेष्टितां डाकिनी योगिनी विद्याधरी भी परिशोभितां कामिनी कामिनी भीर्युतां नाना गंधाद्ये परगंधितां तांबुलादि कराभिश्च नायिकाभिर्विराजितां समस्त सिद्धगणां प्रणतानां प्रतीक्षणां त्रिनेत्रां सम्मोहकरां पुष्पचापेषु विभ्रतीं भंगलिंग समाख्यान किन्नरेपि अभ्योपि शृण्वितं वाणी लक्ष्मी सुधा वाक्य प्रतिवाक्य महोत्सुकां अशेष गुण संपन्नां करुणासागरां शिवां। उसका ध्यान दिया है उसका अर्थ दिया है क्या अर्थ है कामाख्या देवी लाल वस्त्र धारण किए हुए हैं एक हाथ में वरद मुद्रा है मतलब वरदायिनी वर दे रही है माथे पर सिंदूर का तिलक है मुख पर चंद्रमा
या कमल के समान कांतिमान है। ये स्वर्ण और मणिमाणिक्य से जटित भूषणों से अलंकृत हैं। नाना रत्नों से निर्मित सिंहासनों पर बैठी हैं। उनका मुख मुस्कुरा रहा है। पद्मराग मणि के समान कांति है। वे चौड़े और ऊंचे स्तनों वाली क्षीणकाय कर्णमूल तक विस्तृत आँखों वाली हैं। उनके कटाक्ष मात्र से महासंपत्ति प्राप्त होती है। वे परमेश्वरी सर्वांग सुंदरी नित्या विद्याओं से परिवेष्टित डाकिनी योगिनी विद्याधरी से घिरी हुई है। वे कामिनियों से युक्त है और उनके हाथ में तांबुल पान है। तो हमारी कामेश्वरी आहा कितनी सुंदर है। ये फोटो नहीं मिलेगी आप लोगों को कहीं भी। ये हमने थैंक्स टू रेंद्र गिन्द AI GPT क्या लॉन्ग लिव AI बिकॉज वी हैव टू क्रिएट। मैं तो बोल के रखी हूँ बुलोपा को तंत्र की सारी देवियों को सुंदर बनाना है। ऐसे ही बहुत हो गया ट्राइबल लुक उनका। आई एम डन विद द ट्राइबल लुक। खतरनाक एकदम